हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। सी लैंग्वेज में आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसे हम लोग समझने का अब प्रयास करेंगे। किसी भी प्रोग्राम को जब हम लोग लिखते हैं तो हेडर फाइल यूज करेंगे, मेन फंक्शन यूज करेंगे और मेन फंक्शन के बॉडी में जो मुख्य रूप से हम लोग को समझना होता है उस प्रोग्राम का लॉजिक समझना होता है। तो हम लोग भी इस प्रोग्राम का सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। अगर लॉजिक समझ में आ जाएगा तो प्रोग्राम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। लॉजिक क्या है आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का? तो आर्म स्ट्रॉन्ग वैसा नंबर होता है जिसके डिजिट का क्यूब का सम उस ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाए। जैसे कि आपके पास ओरिजिनल नंबर एन है और एन का वैल्यू हम लेते हैं 1, 2, 3। 1, 2, 3 हम एक नंबर ले लिए, कोई रैंडम नंबर। अब इसमें 1 का क्यू कीजिए, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू और प्लस 3 का क्यू। तो यहाँ पे अब इसको सम कर दिए, इसमें सम कर रहे हैं तो 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा और प्लस 3 का क्यू 27 होगा। वैल्यू आपका आ जाएगा 36। तो क्या ये 36 एन के बराबर है? और एन का वैल्यू कितना है? 1, 2, 3 है। इसके बराबर तो ये नहीं है। तो दिस इज नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। 1, 2, 3 यहाँ पे क्या है? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू 1, 4, 3 लेते हैं। अब इस 1, 4, 3 में 1 का क्यूब किए प्लस 4 का क्यूब किए प्लस 3 का क्यूब किए, तो 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस 4 का क्यू 64 हो गया और प्लस 3 का क्यू 27 हो गया। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 1 12 का 2 इन हैंड 1, 1 प्लस 2 3 और प्लस 6 9। अब यहाँ पे देखिए 1, 4, 3 इट इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे 1, 2, 3 भी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, 1, 4, 3 भी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे एन का वैल्यू 1, 5, 3 लेते हैं। अब 1 का क्यू कीजिए आप, प्लस 5 का क्यू कीजिए और प्लस 3 का क्यू कीजिए। 1 का क्यू आपका हो जाएगा 1, प्लस 5 का क्यू 1, 2, 5 और प्लस 3 का क्यू 27। यहाँ पे ऐड कीजिए 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, इन हैंड 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 2 5 और यहाँ पे 1 बचा तो 1। अब देखिए यहाँ पे जो फाइनल नंबर हम लोग ओरिजिनल मिला है 153 और फाइनल भी 153, दिस इज ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना समझ में आ गया। ए आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं हुआ, ए नहीं हुआ और ए भी नहीं हुआ और ए हो गया हमारा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। तो किसी भी नंबर्स के उसके अलग अलग डिजिट के क्यूब का सम अगर आपके ओरिजिनल नंबर के बराबर हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा, आपका ये सिंपल लॉजिक हो गया। अब प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा? तो प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा कि आपका क्या करना है कि इन तीनों डिजिट का अलग अलग निकालना है, तीनों डिजिट को अलग अलग निकालना है। तो पहले जो हम लोग इन तीनों में से किसी को निकाल सकते हैं, 1 को भी निकाल सकते हैं, पहले 3 को भी निकाल सकते हैं। तो पहले 3 को निकालेंगे और इसको क्यूबिक कर लेंगे और किसी एक डाटा स्ट्रक्चर में रख लेंगे, एक वेरिएबल में रख लेंगे। फिर 5 को निकालेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे, इसको इसी में ऐड कर लेंगे। और फिर 1 को निकालेंगे और इसको क्यूब करके और इसी में ऐड कर लेंगे, यानी कि एक जगह यहाँ पे एडिशन कर लेंगे। जो एडिशन हमारा यहाँ पे सम आएगा तीनों के क्यूब का सम, अब इस वैल्यू को इस एन से हम लोग चेक करेंगे कि क्या एन बराबर है, एन के बराबर है सम। अगर बराबर हुआ तो हमारा क्या हो गया? आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। तो ये हमारा जो हो गया बेसिक लॉजिक हो गया। अब इसको हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं और प्रोग्राम में लॉजिक कैसे लिखेंगे। सिंपल, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में एग्जाम प्रोग्राम देखे थे कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर, तो वहाँ भी हम लोग डिजिट को सिंगल सिंगल बाइफर्केट किए थे, यहाँ भी सेम करना है। लॉजिक क्या हो गया आपका? आपके पास एन हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया? 1, 5, 3 मान लेते हैं। अब इसमें जो है ना 3 को अलग करना, तो क्या करेंगे? 1, 5, 3 को मॉडुलस कर देंगे 10 से, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 3। अब ये 3 कहीं ना कहीं तो आप स्टोर कीजिएगा जिसको कहीं पे आप क्यूब करना है। तो हम इसको मान लेते हैं क्या? R।
ठीक है ना। तो आर का वैल्यू कितना आ गया आपका, थ्री। अब इसको कहीं रखना है तो हम वहाँ पे निकाल लेंगे सम, सम इक्वल टू सम प्लस आर का क्या करेंगे, क्यू ऐड करेंगे। तो सम का वैल्यू पहले ऊपर में क्या मानना पड़ेगा आपको, जीरो। तो ये आपका लॉजिक हो गया। और यहाँ पे क्यूब का सम कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से फाइव निकालना होगा हमको, तो पहले इसको फिफ्टीन करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन डिवाइड बाई टेन। तो अब 153 को डिवाइड करेंगे जब 10 से, आई एन अगर इंटीजर हैं तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 15.3, और इंटीजर वैल्यू 15 आ जाएगा। तो यही आपका जो है ना लॉजिक होगा जो हम लोग देखे थे आपको सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर में। बस सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर में यहाँ पे आर जोड़ रहे थे, यहाँ पे आर का क्यू जोड़ेंगे। और फाइनली जो हमारा एन है, यहाँ पे आ करके चेक कर लेंगे इफ एल्स लगा करके कि क्या सम जो है ना एन के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आर्मस्ट्रांग होगा, अगर बराबर नहीं है तो नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप आराम से एग्जाम प्रोग्राम को लिख पाएंगे। अब प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल यूज कर लेंगे। यहाँ पे दो ठो हेडर फाइल हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे इंक्लूड एसटीडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन हो जाएगा यहाँ पे वाइड मैन। और मैन के बॉडी में हम लोग डिक्लेयर करना पड़ेगा कौन कौन से वेरिएबल हम लोग इस प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं। तो यूज करने वाले हैं, सबसे पहला तो हम लोग को एन लेना पड़ेगा जिसको हम लोग चेक करेंगे आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। उसके बाद जो है ना हम लोग आर निकालेंगे जिसमें सिंगल डिजिट निकालेंगे, और इसका क्यू करके हम लोग जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे, तो उसके लिए एक सम ले लेते हैं और सम का वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, जीरो ले लेते हैं। इसके अलावा और कोई वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है, अगर होगा तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन हम लोग यूज कर लेते हैं और प्रिंटएफ से जो है ना वैल्यू को इंटर करेंगे, यानी कि एन के वैल्यू को हम लोग मांगेंगे कि कौन से नंबर को चेक करना है वो बताइए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंटर एन, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्कैनएफ से हम लोग इसके जो है ना मेमोरी में रीड कर लेंगे। परसेंटेज डी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एन क्या है, इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे एम परसेंट साइन एन हो जाएगा। अब हमारा एन जो है ना मेमोरी में आ चुका है, अब हमें लॉजिक फिट करना है। लॉजिक क्या फिट करेंगे, कोई भी हम लोग को यहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप या डू व्हाइल, कोई भी लूप का यूज करना पड़ेगा जो कि काम एक बार में होगा नहीं, रिपीटेडली वर्क होगा। तो रिपीटेडली वर्क के लिए हम लोग यहाँ पे जो है ना व्हाइल लूप हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं व्हाइल। और यहाँ पे कंडीशन लेंगे कि जब तक n का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तब तक जो है ना ये प्रोसेस होते रहेगा, जब तक n का वैल्यू बड़ा रहेगा तब तक ये प्रोसेस होते रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन में क्या होगा आपका, कि जब n का वैल्यू बड़ा है तो क्या करना है, सबसे पहला हम लोग कंडीशन चेक किए थे कि यहाँ पे लिखेंगे कि आप r निकालेंगे, r इक्वल टू हो जाएगा n मॉडुलस 10। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट हमको आर के रूप में मिल जाएगा। अब इसको ऐड कर देना है, तो सम इक्वल टू सम प्लस आर का क्यू। तो यहाँ पे जब आप प्रोग्राम में लिखेंगे तो आर का क्यू ना लिख करके आप आर मल्टीप्लाई बाई आर कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पे वैल्यू को सम कर लिया, सम इक्वल टू सम प्लस आर मल्टीप्लाई बाई आर। अब यहाँ पे जो है ना सम का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको, जीरो, और जीरो में यहाँ पे सिंगल डिजिट को क्यूब करके वो ऐड कर लेगा। इसके बाद क्या करेंगे, एन के वैल्यू को हम लोग छोटा करेंगे, एन इक्वल टू एन डिवाइड करके यहाँ पे टेन कर लेंगे। अब यहाँ पे छोटा होगा, फिर से कंडीशन को चेक करेगा, ये ट्रू होगा, इस प्रोसेस को करेगा, फिर चेक करेगा, यहाँ पे आएगा छोटा करेगा, फिर ट्रू, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, एन का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा, तो ऑटोमेटिकली लूप जो है ना इससे बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग लूप से बाहर आएंगे प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एन का वैल्यू आपका है वो सम के बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक मिस्टेक मिलेगा क्या, कि एन तो हम लोग बार बार मॉडिफाई कर रहे हैं, तो बार बार मॉडिफाई करने का मतलब एन का वैल्यू बदल रहा है, तो एन तो ओरिजिनल रहा नहीं, तो उसको हम लोग चेक करेंगे किसी और से। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे एक टेम्प्रोरी कोई वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू एन, यानी कि जो एन का ओरिजिनल वैल्यू वो कहाँ पर डाल दिए, टेम्प में डाल दिए। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना होगा टेम्प, टेम्प किस प्रकार का होगा, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे आपको जो है ना लेना होगा टेम्प, क्लियर। अब इस टेम्प को हम लोग चेक करेंगे इफ़ एल्स लगा करके, इफ़
टेम्प, टेम्प में क्या है एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है और ये बराबर है सम के। अगर बराबर है तो आप प्रिंट कीजिए कि हाँ आर में स्ट्रांग है, प्रिंट एफ एन इज आर्म स्ट्रॉन्ग, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो आर्म स्ट्रॉन्ग, अगर फॉल्स है तो एल्स में जाएंगे और एल्स में क्या डिस्प्ले करेंगे कि प्रिंट एफ एन इज नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे गेट सी एच पुट करेंगे और फाइनली जो है ना हम लोग मेन फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का। तो बेसिक जो हम लोग लॉजिक देखे आर्म स्ट्रॉन्ग का, तो बेसिक लॉजिक हमारा क्या है इतना ही है। अगर ये क्लियर आपका है तो समझिए कि आपका आर्म स्ट्रॉन्ग क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करना चाहते हैं तो सम ऑफ डिजिट्स में यहाँ पे जो है ना सिर्फ इस दो आर को कर देंगे, यहाँ पे सिर्फ आर ऐड कर देंगे और यहाँ पे चेक करने का सोचा कुछ नहीं है, सीधे यहाँ पे आएंगे बाहर में और प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ में कि सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर, वहाँ पे प्रिंट कर देंगे सम, तो हो जाएगा आपका सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर। इसी से संबंधित जो है ना आपका एक और प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोम नंबर कैसे चेक करते हैं, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।